अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, जब से उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर आई है पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ है। मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारा का सारा मीडिया इसी एक बड़े हादसे और बड़ी मौत के ऊपर फोकस्ड है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से लेके बिलावल भुट्टो जरदारी तक और तमाम लीडरशिप और शुबे से ताल्लुक रखने वाली तमाम शख्सियात उस पर इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, तजियत कर रहे हैं और उमर शरीफ साहब के ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। एमकेएम ने एक दिन शोक का ऐलान कर दिया है, चूँकि एमकेएम के उमर शरीफ साहब बहुत करीब थे। लेकिन उनकी मौत के साथ जहाँ पे एक बड़े अहद का खात्मा हुआ वहाँ पर कुछ सवाल भी हैं और आप यकीनन हैरान होंगे कि कैसे वक्त में मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम सवाल नहीं उठाते, हम बात नहीं करते, किसी भी मामले की तह तक नहीं पहुँचा जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि उमर शरीफ साहब एक बड़े इंसान थे और कॉमेडी की दुनिया के तो किंग थे ही, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें कई हवालों से पसंद करता था। वो लोगों को रोते हुए को हंसाते भी थे, वो एक बड़े क्रिएटर भी थे और वो एक ज़बरदस्त करेक्टर थे। अब देखना ये है कि उमर शरीफ साहब बीमार हुए, एक अरसा तक वो गुमनामी में चले गए, वो किस हालत में रहे, उसके ख़ानदान में से किसी ने कभी कोई बात नहीं की। एक वक्त था कि उमर शरीफ साहब लाहौर में रहते थे, फिर वो कराची चले गए और कराची के बाद फिर एक दफ़ा दोबारा लाहौर का उन्होंने रुख किया। और मुझे याद है कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अप्रोच किया और चीफ मिनिस्टर को उन्होंने अप्रोच किया और वो फनकारों के लिए एक एकेडमी बनाना चाह रहे थे और जिसका नाम उमर शरीफ एकेडमी रखा गया। परवेज़लाई का दौर था, करोड़ों रुपए का फंड जारी हुआ, एमकेएम पीछे सपोर्टर थी और एमकेएम ने पूरा पीछे से सपोर्ट करके वो फंड जारी करवाया। मैं उस तकरीब में मौजूद था, मुल्तान रोड के ऊपर ठोकर से आगे एक सरकारी जगह का इंतखाब किया गया, वहाँ पे टेंट लगाए गए और उस पे काफ़ी पैसे उसके इफ्तिताह के ऊपर भी खर्च कर दिए गए, बल्कि यूं कहें कि ज़ाया कर दिए गए और वो उसका कोई हिसाब किताब आज तक नहीं। वो फंड जितने जारी हुए कहाँ गए, कौन उसका वाली वारस है और वो एकेडमी का, उमर शरीफ एकेडमी का क्या बना, वो ज़मीन का टुकड़ा किधर गया, जो फंड जारी हुए वो किधर गए और एकेडमी बनी है या नहीं बनी, उसका वाली वारस कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और उमर शरीफ साहब चूँकि अब दुनिया से चले गए हैं तो उस पर भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो उस सारी चीज़ को संभाले हुए हैं या फंड आए थे गवर्नमेंट से जारी हुए थे वो किधर गए। दूसरा जो उनकी मौत का हादसा है उसके साथ जुड़ी हुई दो तीन चीज़ें हैं जिसका जिक्र करना मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि हमारा एक बदकिस्मती से ट्रेंड बन गया है कि हम अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, लोकल प्रोफेशनल्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर इत्मान नहीं करते। और जब फेसबुक के ऊपर, जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई इस तरह का किसी बड़े फनकार का या बड़े किसी शख्स की ट्रेंड बनता है, उसकी बीमारी का या इस तरह के किसी हादसे का, तो फिर गवर्नमेंट जान छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर वो लकीर की फकीर बन के वो जिस तरह का पब्लिक प्रेशर होता है उसी तरह का वो उस मामले को टैकल करते हैं। जितना प्रेशर ज़्यादा हो उतने फंड जारी हो जाते हैं, जितना प्रेशर ज़्यादा हो उस तरह के इंतजाम हो जाते हैं, जितना मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का और सोशल मीडिया का प्रेशर हो उसी तरह के फैसले हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये एक लकीर के फकीर वाला जो सिस्टम है बंद होना चाहिए। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि आपके लोकल इतने प्रोफेशनल्स हैं और डॉक्टर्स हैं जो इलाज भी करने की पोजीशन में हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत उनको कंसल्ट नहीं करती और वहाँ पे जो लोकल निज़ाम है उस पर बदअतमादी और अदम अतमाद का
एक समझ लें कि एक ऐलान होता है जब आप इस तरह का कोई फैसला करते हैं कि जी फलाना मरीज उसको उठाएं, गवर्नमेंट इतने पैसे दे और बाहर ले जाए, बजाय इसके कि ये इस पे गौर किया जाता कि क्या उमर शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं, क्या उनकी कंडीशन ऐसी है, क्या किसी लोकल बोर्ड ने उनको रिकमेंड किया है। हुआ ये कि कहानी इसमें यह है कि तारक, डॉक्टर तारक शहाब साहब, जाहिर है रीमा साहबा का उमर शरीफ से एक ताल्लुक था और ये एक बड़ा केस था सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का, तो उनके फैसले के ऊपर ये कहा गया कि जी इनको मुंतकिल कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या जिस तरह का सिचुएशन थी कि दिल का वाल था जिसको माइक्रो एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर से बदलना था, क्या मरीज उसके लिए स्टेबल था, मरीज इस काबिल था कि वो उस तरह से ट्रेवल कर सकता। फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिंध गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए सिर्फ इस गलत फैसले की नज़र कर दिए गए, झोंक दिए गए और उसमें उमर शरीफ साहब के ख़ानदान को भी अजियत दी गई, तकलीफ दी गई, जो फैसला लोकल डॉक्टर्स कर सकते थे और उनका बोर्ड कर सकता था वो तारिक शहाब साहब अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। फिर उमर शरीफ साहब को जर्मनी के एक अस्पताल में जो फौत होते हैं उनकी बेगम को जर्मनी का वीज़ा लेने के लिए जेल में इंतज़ार करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि उमर शरीफ साहब पे इससे ज़्यादा पैसे लगने चाहिए, गवर्नमेंट को देने चाहिए, सब कुछ ठीक। मेरा ये सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट प्रेशर्स के अंदर इस तरह के फैसले करती है, पिछले 2 साल से 4 साल से उमर शरीफ साहब कहाँ थे किसी को कोई पता नहीं था, उनकी फैमिली में से भी किसी ने इस केस को नहीं उठाया, फिर अचानक तस्वीरें आना शुरू हुई मीडिया के ऊपर, फिर किसी ने इसकी तरदीद की, किसी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है वो ठीक है, फिर उसकी फैमिली पहले ऑन नहीं कर रही थी, फिर उन्होंने ऑन करना शुरू किया, जब सोसाइटी का रिस्पांस आया, मीडिया का रिस्पांस आया, गवर्नमेंट का रिस्पांस आया तो उन्होंने भी उसको ऑन करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी फैमिली भी इसमें खजल खराब हुई, परेशान हुई, अजियत में रही, मरीज इस काबिल नहीं था, वो स्टेबल ही नहीं था और उसको उसी हालत में मूव करवा दिया गया और वहाँ पर दयारे गार में उनका इंतकाल हो गया। इससे कहीं बेहतर था कि वो पाकिस्तान के अंदर रहकर उसका प्रॉपर गवर्नमेंट इलाज करवाती, टेक केयर करती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रेंड है इसको भी ख़त्म होना चाहिए और इस पे प्रॉपर एक इंक्वायरी की ज़रूरत है, वो उमर शरीफ एकेडमी के हवाले से भी, और ये जो सारा मामला हुआ है गवर्नमेंट के करोड़ों रुपये ज़ाया हुए हैं, ये डिसीजन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्या ये डिसीजन दुरुस्त था, गलत था, तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को भी प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा डिज़ास्टर ना हो, कोई ऐसा गलत फैसला ना हो जिसके नतीजे में सवाल उठें और लोग बातें करें। चूँकि मामला वफात का है और एक बड़ा इंसान फौत हो गया, उसके बच्चे फैमिली दुख की कैफियत में है, उसके चाहने वाले दुख की कैफियत में, मेरे समेत, तो लिहाजा मैं कोई ऐसी तलख बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उन लोगों पे सवाल उठा रहा हूँ कि जो लोग मुंतज़िम थे, जिन्होंने फैसला किया था, और दयारे गैर में किसी की मौत होना और वहाँ से डेड बॉडी आना, फैमिली का की परेशानी, ये सारी चीज़ों का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो इसलिए मैं मजबूर होकर इस पर बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आप भी इस पर गौर करिएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हुक्मरानों के पास भी अगर वक्त हो तो वो इस पर ज़रूर गौर करें, इस पर कुछ टाइम देकर इस पर ज़रूर सोचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।